अथर्ववेद के चौथे कांड का 36वां सूक्त प्रारंभ होता है, ऋषि चातनः देवता अग्निः छंद अनुष्टुप मंत्र संख्या 1 ओम तांतस त्योजाः प्र दहत्व अग्निर वैश्वानरो वृषा योनो दूरस्य द्विप्सा चाथो योनो अरातियात। सत्य को अपना कर सत्य के बल को धारण करके हम सबसे आगे चलने वाले बने। अपने दुर्गुणों से ऊपर उठकर ईश्वर की तरह प्रकाशवान हम बने। मंत्र संख्या 2 योनो दीप्सद दीप्सतो दीप्सतो यश्च दीप्सति वैश्वानरस्य दन अस्त्र योरग्नेरपि ददामितम्। जो हिंसा न करने वाले हमारी हिंसा करें, अथवा जो न्याय को अपने हाथ में लें, अथवा रक्षा पुरुषों पर ही आक्रमण करें, उसे राजा के न्याय के जबड़ों में स्थापित करना ही उत्तम है। मंत्र संख्या 3 य आगरे मृगयन्ते प्रतिकोषे अमावास्ये क्रवयादो अन्यान दीप्सतः सर्वां इस्तांत सहसा सहि। अमावस्या की रात्रियों में अंधकार में जो हमें मारने के लिए ढूंढते फिरते हैं, कलह के अवसर पर जो जगह जगह घात लगाए बैठे रहते हैं, भोजनालय में कलह में अंधकारमय रात्रि में जो औरों को मारने की इच्छा करते हैं, वैश्वानर अग्नि उन सब को बल से पराभूत करे। राजा ऐसे लोगों को नष्ट करे। मंत्र संख्या 4 सहे पिशाचान तसह सैषाम द्रविणम ददे सर्वान दुरस्यतो हन्मी सम म आकूतिर रद्य ताम। राजा राष्ट्र से पिशाचों को दूर करे। दूसरों को नष्ट करने वाले औरों का मांस खाने वालों को ही राक्षस कहा जाता है। राजा इनके द्रव्यों को छीन ले। औरों की दुरावस्था के कारण भूत इन दुष्टों को नष्ट करे। राजा की यही कामना हो कि राष्ट्र को पिशाचों से रहित करना है। मंत्र संख्या 5 ये देवास्तेन हासन्ते सूर्येण मिमते जवम नदीषु पर्वतेषु ये समतः पशुभिर विदे। राजा को केवल देवों का ही रक्षण नहीं करना, अपितु नदी तटों व पर्वतों पर भी संचरण करने वाले पशुओं का भी रक्षण करना है। मंत्र संख्या 6 तपनोऽस्मि पिशाचानां व्याघ्रो गोमतामेव श्वानः सिंहमेव दृष्ट्वा तेन विन्दन्ते नियंचनम्। राजा पिशाचों का संतापक होता है। राजा से भयभीत हुए ये पिशाच छिपने के स्थानों को भी नहीं पा सकते। मंत्र संख्या 7 न पिशाचः सं शक्नोमि नः इस्ते नैरन वनर्गुभिः पिशाचास्त इस्मान शयन्ति यमहं ग्राम माविशे। राजशासन का सौंदर्य यही है कि राष्ट्र से इन बुरे लोगों डाकुओं पिशाचों का नामोनिशान भी मिट जाए, राष्ट्र इनके उपद्रवों से रहित हो जावे। मंत्र संख्या 8 यम ग्राम माविशत इदमुग्रम सहो मम पिशाचास्त इस्मानश्यन्ति न पापमुप जानते। राजा पापियों को ऐसा उग्र दंड दे कि आगे से लोग पाप कर्म करना ही भूल जाएं। मंत्र संख्या 9 येम क्रोधयन्ति लपिता हस्तिनम मश्कायव तानह मन्ये दुरिता अंजने अल्प शयोनेव। झूठे चोर ऊटपटांग बात बनाने वाले व्यक्ति
राजा के क्रोध के पात्र होते हैं। राजा इन्हें प्रजा के मार्ग से हटा देना आवश्यक समझता है। मंत्र संख्या 10, अभितम निरति रधत्ताम अश्व मिवाश्वाभिधान्य मलवो यो महयम क्रोधयति स उ पाषाण मुच्यते। कोई भी दुष्ट राजा के दंडपाश से मुक्त न होवे। अथर्वेद के चौथे कांड का 36वां सूक्त समाप्त होता है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।